श्री संजय मित्तल जी कलकत्ता वाले, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट का शुक्रगुजार हूं। 70 साल पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस दिन आपका पड़ोसी आपसे खुश होगा उस दिन आप अगर हे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई वीडियो करते हैं शुरू। आज का दिन एंड मतलब हरियाणा में लास्ट डे, आज फिर हम निकलेंगे घर की तरफ क्योंकि सफर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपने ब्लॉग देखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहा होगा, तो उसमें आपने काफ़ी प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। और फिलहाल अभी जैसे जैसे निकलते हैं क्योंकि फटाफट यहाँ से ब्रेकफास्ट करके वगैरह करके मतलब नाश्ता वास्ता करके हम निकलते हैं क्योंकि फिर निकलना भी है और फिर बस लेट हो जाएगी क्योंकि हमें आज काशी भी जाना, क्योंकि वहाँ पे भाई सुबह सुबह की शुरुआत हरियाणवी खाने के साथ देख सकते हो। यहाँ चूल्हे पे भाई हमारी काकी रोटी स्टार्ट कर रही है सेकना, और भाई आज मज़ा आएगा बाजरे की रोटी ना। हाँ। तो भाई आज मिलेगी सुबह सुबह खाने को बाजरे की रोटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला भाई आज का व्लॉग देख सकते हो भाई। फाइनली करके हम लोग आगे नीचे, अब हम करेंगे तैयारी। वैसे ही पता है दीदी की वीडियो बुलाई ना जस्ट, तो वो भी कह रही कि बोलते जल्दी आ जाओ क्योंकि थोड़े से उदास से। तो पता है इनका लास्ट मेकअप आप देखोगे वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेकअप रहा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स आए ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और बाकी आप लोगों को भी भाई काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया वीडियो पे, तो नहीं हमारे साथ चलो देखा कोई नहीं भेजना चाह रहा, लेकिन भाई हमें जाना क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि दीदी भी जाने तैयार है, वो भी कह रही चलो चलो भाई। सुबह सुबह 6:30 बजे उठा दिया भाई मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ, 10 बजे उठने वाले बंदे को 6:30 बजे क्या एक्सपेक्ट यार, समझ सकते हो भाई क्या सीन होता है। यस 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 भाई विदा की परंपरा कम्प्लीट हो चुकी है, छोटी बहन तिलक कर दिया, अभी हम लोग बस निकलने की तैयारी करेंगे। और बाकी हमारी काकी जी फ़ोन पर बात करें दीदी से और हम जी रेडी है और गेट खोल दिया, मतलब पहले गेट खोल दिया भाई, कह रहा फटाफट जाओ मतलब यहाँ से निकलो, गेट खोलने की परंपरा स्टार्ट हो गई है और गोल वे गायब हो चुके हैं। अरे यार मेरा और बस दूसरा पता पहले अपलोड कर रहा हूँ यार कि भाई फटाफट हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर अपलोड हो गया तो मुझे इशू नहीं आएगी बस में, और अदरवाइज यहाँ से अपलोड नहीं हुआ तो इशू हो जाएगा, इस चक्कर में यहाँ से मैं ब्लॉग अपलोड करके निकल रहा हूँ। और सो भाई ये बैग का सीन स्टार्ट हो गया, जीजू बैग लेके आ गए और अब लेते हैं, अब लोग आ गए गेट पर छोड़ने के लिए और हमारा बस बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मोनी दीदी और भैया को भेजने के लिए, लेकिन हमारा जान जरूरी है, हमें जान जरूरी है, हम जाएंगे कि फिर ज़्यादा दिन रुकेंगे तो फिर ज़्यादा रोना आएगा बहन को, हम एक दिन रुकेंगे तो ज़्यादा रोना नहीं आएगा, फिर कम रोना आ रहा उसको, वो ऐसे रो रही है छोड़ो। भाई निकल चुके हैं यहाँ से घर से और छोड़ने के लिए भाई अभी भी हमारे साथ गोलू है और पीछे जीजा जी बैठे हुए हैं, तो अभी कहना यहाँ से हमें पूरा फाइनल निकालेंगे ना, तो इसलिए हमें पूरा छोड़ दो मतलब वापस ना आए ना, इसलिए हमें पूरा पूरा छोड़ रहे हैं, देखो दोनों ये वापस ना आया घर पे फाइनली भाई टेम्पो बैठ के निकल रहे हैं बस, एट तक छोड़ के आवांगा और भाई एक बार लास्ट बार एट तक छोड़ के आवांगा इनने, ओ भाई गेट तक छोड़ के आवांगा इन्हें गेट, अरे भाई मतलब सही बहुत पढ़ना स्टेशन हो रहा बट भाई ने किया तो चल रहे हैं यहाँ से। और बस का सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा और मतलब अप्रोक्स हम दिल्ली से निकले और आनंद बिहार से यहाँ आदोपुर आए हम, आदोपुर की मौसम जैसे जिया जी घर पे भाई, वहाँ से लेके यहाँ तक ना उसने भाई ड्राइवर ने क्या सीन बनाया, मतलब रोते हुए सॉन्ग चलाए भाई, मेरे को नींद आ गई, मैं 2-3 बार झपकी लगी मुझे और जस्ट जब उठे होश आया तो भाई हम उतर चुके थे, तो मतलब नींद इतनी थी ना कि भाई मन नहीं कर रहा कुछ, क्या ही बोलूँ मतलब शूट करने का, बीच में रुके भी नहीं, पता नहीं क्या रुके या रुके पता ही चला, मैं तो भाई सो गया, उसने गाने इतने खतरनाक चलाए ना भाई, तो फिलहाल लेके अब यहाँ पर आ गया हूँ, अब मुझे मैं निकलूँगा थोड़ी देर में घर, क्योंकि आज जाएंगे हम खाटू श्याम जी के दरबार, क्योंकि आज आने वाले हैं संजय मित्तल जी, तो भैया वो वाला प्रोग्राम थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है, तो वो चीज़ हम पूरी करेंगे कम्प्लीट, तो बस अभी वहाँ से यहाँ से निकलता हूँ फटाफट जल्दी से। अब ना वापसी कर रहा हूँ और वापसी में एक पता उसने क्या सीन करा भाई, मेरा पूरा बैग भर दिया देखो पूरा फुल, जैसे लाया था वैसे हो गया और इतना हैवी हो गया ना बैग, मैं कंफ्यूज में कैसे ले जाऊँगा भाई, बस अब यहाँ से निकलते हैं फिर सीधे चलते हैं काशिप की तरफ। भाई फाइनली मैं घर पहुँच चुका था भाई, घर पहुँचते पहुँचते मुझे होती रात, क्योंकि मैं समझता हूँ देखो घड़ी में शायद टाइम दिख रहा हूँ भाई, करेक्ट 8 बज गए और बीच में एक्चुअल क्या था थोड़ा सा जाम ही मिल गया था, क्योंकि चेकिंग पर पूरे यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर आई थिंक, क्योंकि कोई मर्डर हुआ है काशीपुर का, तो उसके चक्कर भाई बहुत चेकिंग थी, तो फिलहाल अभी यार सीधे चलता हूँ खाटू श्याम जी चलते लेके आपको, क्योंकि दरबार लगा हुआ भाई, दोस्त का फोन आ गया तो राजू भाई का फोन आ गया, तो मैं भी चल रहा हूँ
बस अब सीधा वहीं चलता हूँ, बस कैब लेता हूँ अपनी यार। मैं पहुँच गया राजू भाई के शॉप पे उठाने के लिए, और भाई साहब बंदा इतना व्यस्त है ना, क्या है बोलो, काम कर रहा है। किसका है? पता नहीं, इसका भी आधार कार्ड है भाई। फिलहाल भी करके फिलहाल निकलते हैं। सामने की चकाचौंध देखो भाई, और ये हमारा नया दोस्त है, इससे मिलो। ये ऐसी बातें कर रहा था, मन तो बस कर रहा है, क्या ही बोलूँ, छोड़ो माफ़ किया, लौंडा अपना ही है, ठीक है, माफ़ कर दिया उसको यार आज। जो फिर फटाफट चलते हैं यार, अब निकलते हैं, बहुत लेट हो गया। हैं आ रही है
छतरी के नीचे हूं मैं। वहां पर एक बड़ी सी छतरी लेकर आ गए जिसके अंदर मैं 8-10 लोग जिसके नीचे में आराम से रह सकते थे। उस दिन आप अगर कहीं हिंदुस्तान में दूर गए होंगे, घर में बीवी बच्चे अकेले होंगे, कोई आंख उठाने वाला आएगा, उससे पहले वो पड़ोसी आकर कहेगा खबरदार। वरना ऐसे ही झंडे लगे रहो खाली। बाहर निकले कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई ध्वजा ले रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई फूल माला खरीद रहा है, सेठ मोबाइल लेकर कान में व्यापार कर रहा है, ये लिया ये बेचा, ये लिया ये बेचा। मंदिर की सीढ़ी आ गई और पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले सेठ की पत्नी ने मोबाइल खींचा और कहा, अरे शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया, अब तो ये व्यापार छोड़ दो। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ पर एक जोर सा झटका लगा। उसे लगा कि कोई करंट लगा हो। एक एक सीढ़ी पर चढ़ने लगा, सेठ के भाव बदलने लगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दुखा तो नहीं गया है, जब जाओगे ना सामने से जाना। पहली सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आपके मन के भाव बदलने शुरू हो जाएंगे। और 13 सीढ़ी है, 13 तुझको अर्पण, 13वीं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो आप इसके बन जाओगे प्रेमी। सेठ के भाव बदलने लगे। बाबा के सामने पहुंचते ही सेठ ने बाबा को टकटकी लगा के देखा, देखता रह गया। घर वाले परिवार वाले इष्ट मित्र 15 मिनट तक सेठ पर खड़ा रहा। घर वालों ने 2-2, 3-3 बार दर्शन कर लिए, सेठ वहीं खड़ा रहा। घर वालों ने आकर हाथ पकड़ के खींचा। सेठ ने इशारे से कहा, तुम जाओ, मैं आऊं, मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, क्या सेठ वापिस जाने को तैयार नहीं था। सलाब बह रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा मैं मूर्ख था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैंने सोचा कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन आज आपकी आंखों में जो नशा देखा, इस नशे से बड़ा नशा दुनिया में। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैंने सुना है हर 11 को आपके दरबार में दुनिया आती है, कीर्तन होते हैं, मैं भी अगली बार से हर महीने 11 को आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, मेरे शहर में जो आना चाहेगा गाड़ी भर भर के आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। हर महीने सेठ खाटू जाने लगा। अब सेठ सुबह 10 बजे उतर कर आता, दिया बत्ती करता और शाम को 6 बजे अपना गल्ला मंगल कर देता, मंदिर देवरा जाता और जाकर आकर भोजन करता, सो जाता। 15 दिन की बैलेंस शीट मिलाई, जितना 12-13 घंटे खट के कमाता था उससे 10 गुना ज्यादा 8 घंटे में कमाने लगा सेठ। हर महीने सेठ खाटू जाने लगा। 2-4-6 महीने बीते, एक 11 को सेठ जा रहा था, मुनीम ने हाथ पकड़ा, सेठ जी किधर जा रहे हो?
सेठ ने कहा तू पागल है, तुझे मालूम नहीं आज 11 है, मुझे बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आप भूल गए, कल तो आपको एक व्यापारी का फोन आया था, वो बाहर जा रहा है इंडिया के, आज शाम को आएगा, 3-4 घंटे के लिए आएगा, 50 लाख का व्यापार है, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है, महीने में एक बार जाना है, कभी भी चले जाइएगा। सेठ समझ गया, सेठ ने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, 11 की जगह पूर्णिमा को चला जाऊंगा। सेठ माया में उलझ गया, 50 लाख का व्यापारी आया, सौदा कर गया, लेकिन उस सेठ को ये नहीं मालूम था कि जो व्यापारी 50 लाख का सौदा कर गया वो तो सिर्फ 50 का सौदा था, जिस दरबार में कॉल करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया, सेठ ने सोचा अंधेरी 11 को चला जाऊंगा, अंधेरी 11 को फिर कोई आ गया, सेठ ने सोचा मावस को चला जाऊंगा। एक महीना निकल गया, दूसरा निकल गया, सेठ फिर माया में उलझ गया, पर सेठ बाबा को भूल गया। एक दिन रात को सेठ सोया, अचानक उसे लगा कि सपने में कोई आवाज आई, वहां रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा भगत आया है, पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक व्यापारी आया है, सौदागर आया है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे सौदा करने आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, आज के बाद खूब दौलत कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा नहीं आना। आवाज बंद हो गई, सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया, उसने सोचा अभी की अभी खाटू जाता हूं। बिस्तर से उतरने के लिए जो ही जमीन पे पांव रखा, सेठ के पांव ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस अटैक आ गया। रात को जो सेठ अपने पैरों पर आकर बिस्तर पर सोया था, सवेरे व्हील चेयर पर आ गया, घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठा, आंसू बहा रहा था, एक डाकिया बगल से निकला, उसने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया तुम तो दिल्ली बंबई कलकत्ता रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी का संदेशा पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा मेरे बाबा के पास पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा मेरा तो काम ही यही है, बताओ तुम्हारा संदेशा क्या है? शायद मैं क्लियर आओ नहीं आऊं, बट हम दोनों ने कीर्तन पूरा सुन गए, कंप्लीट कीर्तन सुन गए भाई, वापसी कर रहे हैं। सो व्लॉग हम यहाँ पे ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पता क्या है, अब ना घर की तरफ जा रहे हैं, और एक चीज़ में साथ जो हमेशा इंसिडेंस होता है वो बड़ा गंदा हुआ आज, पता मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था जिसमें कि भाई पहले ही नेट की बड़ी बैंड बजी बजी, तो फिलहाल चलो इस बात को साइड रखते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। सो भाई मज़ा आया, एंड गुड नाइट टू ऑल, एंड वंदे मातरम।